स्नेक स्किन ब्रिंग्स बैड लक, सांप की खाल बैड लक लेकर के आती है। खाना खाने के बाद मैं उस मरे हुए आदमी के बारे में बात करना चाहता था, वही दूसरी ओर जिम ने बात करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह एक बैड लक लेकर के आएगा। हम लोगों ने उस आदमी के कपड़े को ढूंढा और उसमें लगभग $8 के आसपास उसके ओवरकोट में था। मुझे लगा यह तो एक अच्छा सा गुड लक है कि इतने ज़्यादा पैसे हमें मिल गए। वही मैंने जिम को कहा कि जब मैं कल स्नेक स्किन सांप की खाल मैं ले करके आया तो तुमने तो मुझे कहा था कि यह एक बैड लक लेके आएगा, लेकिन देखो हमें क्या मिला। मैं तो यह उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके का बैड लक हमारे पास बार बार आए ताकि हमें और पैसे मिले। जिस पे जिम बोलता है चलो कोई बात नहीं, वह बैड लक आने ही वाला है। और फिर वह बैड लक 3 दिनों के बाद आता है। क्या होता है, हम डिनर कर रहे थे और मैं गुफा में जाता हूँ तंबाकू लेने के लिए और वहाँ मुझे एक रैटल स्नेक मिलता है। मैंने उसे मार दिया और उसे मैं जिम के ब्लैंकेट पे ले करके जाता हूँ। मुझे यह सोच करके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा कि कितना मज़ा होगा, लेकिन फिर मैं बाद में इसके बारे में भूल जाता हूँ। लेकिन जैसे ही जिम अपना ब्लैंकेट हटाता है तो वह क्या देखता है कि उसी रैटल स्नेक का साथी उसके पीछे पीछे आ गया था और जिसने जिम को काट दिया था। और इस बारे में मुझे जानकारी ही नहीं था, रैटल स्नेक का साथी होता है जैसे नाग और नागिन, तो मैंने नाग को मार दिया तो नागिन तो बदला लेने आएगी ही। वह चिल्लाने लगा कि मेरे राइट हील पे सांप ने काट दिया है और मैंने उसे मार डाला। फिर उसके बाद मैं अपने आप को ही कोसते रहा कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि सांप का साथी बदला लेने आएगा। वही दूसरी ओर जिम बहुत ही सफ़र कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वह 4 दिनों और 4 रातों तक तो मूव ही नहीं कर पा रहा था, उसका पैर पूरी तरह से सूज चुका था और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैंने यह डिसाइड किया कि मैं दोबारा कभी भी सांप की खाल को नहीं छूऊंगा। इसी तरीके से दिन बीतता है और मैं क्या करता हूँ, मैं नदी के पास जाता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डल फील कर रहा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी को ढूंढ करके लाऊंगा ताकि वह जिम के बारे में मैं उससे बता सकूं और वह मेरी कुछ मदद कर सके। जिस पे जिम बोलता है कि तुम्हें अंधेरे में ही जाना चाहिए और क्यों ना तुम एक लड़की का ड्रेस पहन के जाओ, हमारे पास तो लड़कियों के ड्रेस ही है। तो मैंने उसकी बातें मान ली और मैंने अपने आप को कपड़े पहना दिया और मैं कपड़े पहन करके वहाँ से चले जाती हूँ। जिस पे जिम बहुत ज़्यादा खुश था मेरे कपड़ों को देख करके, लेकिन मैंने जो हरकत की थी उससे तो वह खुश नहीं था। वह मुझे बोलने लगा, तुम लड़की की तरह ही बिल्कुल दिखने में लग ही नहीं रहे हो और तुम अपने गाउन को ज़्यादा ऊंचा मत पहनो। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं रात में वहाँ से चले जाता हूँ कैनोई को बांधते हुए। कुछ ही दूर पे एक टाउन था, मुझे लाइट भी दिखाई दे रही थी, तो मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की और वहाँ पे एक 40 साल की महिला वहाँ पे बुनाई का काम कर रही थी। वह एक स्ट्रेंजर थी जिसे मैं नहीं जानता था और मैं इस बात से डर रहा था कि कहीं लोगों को मेरी असलियत क्या है वह मेरी आवाज़ से ना पहचान सके, क्योंकि मेरी आवाज़ तो थी लड़के की, तो कहीं वह औरत मुझे ना पहचान सके। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं दरवाजे पे नॉक करता हूँ और अपने आप को यह याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मैं लड़की हूँ, मुझे लड़की की तरह बिहेव करना है।